अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ेंगे 10.3 का क्वेश्चन नंबर 7। कोसेकेंट थीटा प्लस 2 कोसेकेंट 2 थीटा बाई सेकेंट थीटा इज इक्वल टू कोटेंजेंट थीटा बाई 2। तो हम इसके अंदर क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। तो वो हमारे पास है कोसेकेंट थीटा 2 कोसेकेंट 2 थीटा बाई सेकेंट थीटा। तो आप क्या करें, 1 ओवर सेकेंट थीटा को इधर ले लें, तो बाकी आपके पास क्या बचता है, कोसेकेंट क्या होता है, 1 बाई साइन थीटा होता है। तो ऊपर रहने दें, कोसेकेंट 2 थीटा क्या हो जाएगा, साइन 2 थीटा, क्योंकि जो हमारे पास कोसेकेंट होता है वो रेसिप्रोकल होता है साइन का। तो इसलिए हम 1 ओवर साइन या साइन को हम लिख सकते हैं 1 ओवर कोसेकेंट। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, 1 ओवर सेकेंट अगेन कॉस थीटा। आप ले लें, हम एलसीएम ले लेते हैं। तो देखिए, याद रखिएगा जो कॉस थीटा होता है इनफैक्ट वो क्या होता है, 1 ओवर सेकेंट थीटा होता है। और जो आपके पास कोसेकेंट थीटा होता है वो आपके पास कोसेकेंट थीटा वो आपके पास होता है 1 ओवर साइन थीटा। तो अब हम क्या करते हैं, तो ये अभी भी आप एलसीएम ना लें, इसको लिख लें 1 ओवर साइन थीटा 2 बाई 2 साइन थीटा कॉस थीटा। आपको मालूम है कि आपके पास जो डबल एंगल है साइन 2 थीटा वो क्या होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास कॉस थीटा ओवर, अब आप ले सकते हैं क्या, साइन थीटा कॉस थीटा। साइन कैंसल, कॉस थीटा प्लस, दोनों कैंसल, तो क्या आएगा, 1 आएगा। यहां से कॉस कैंसल हो जाएगा, तो ये बन जाता है आपके पास 1 प्लस कॉस थीटा बाई साइन थीटा। तो अब आप इसको भी लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉस थीटा क्या होता है, ये आपके पास होता है जी कॉस थीटा बाई 2, 1 प्लस कॉस थीटा बाई 2 स्केयर रूट होता है, वो स्केयर रूट इधर आ जाएगा। तो इसके बाद ये वाला जो नीचे 2 पड़ा है ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, इधर आ जाएगा। तो इसका मतलब ये बन जाता है 2 cos square theta by 2 ओवर। अब इसको भी डायरेक्ट लिखते हैं कि हमारे पास जो साइन होता है उसको आप लिख सकते हैं साइन 2 theta by 2 क्या होता है, 2 sin theta by 2 cos theta by 2। जब आप इन दोनों को काट देंगे तो हमारे पास इसको हम ये भी तो लिख सकते हैं फिर, यानी कि ये बन जाता है साइन थीटा। तो इसका मतलब है साइन थीटा को हम ये लिख सकते हैं और ये फॉर्मूला हमारे पास ये बनता है। तो इस तरह हम साइन थीटा की जगह पुट कर सकते हैं 2 sin theta by 2 cos theta by 2। तो देखें आपको क्या चाहिए, कोटेंजेंट, ये 2 से 2 कैंसल हो जाएगा, स्क्वायर से कॉस थीटा कैंसल हो जाएगा, तो रिमेनिंग आपके पास क्या बन रहा है, ऊपर कॉस बच रहा है, कॉस थीटा बाई 2 ओवर साइन थीटा बाई 2। तो ये बन जाएगा कॉस ओवर साइन, हमारे पास कोटेंजेंट होता है, एंगल हमारे पास कॉस थीटा बाई 2 आ रहा है। इस तरह हमारे पास राइट हैंड साइड बन गई। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर आपके पास लेफ्ट साइड क्या पड़ गया जी, 1 प्लस टेंजेंट 2 अल्फा। तो आपको मालूम है कि हमारे पास ये 1 जो है वो वैसे आएगा टेंजेंट क्या होता है, साइन अल्फा बाई कॉस अल्फा। टेंजेंट अगेन क्या होता है, साइन ओवर कॉस। एंगल अब क्या आ रहा है, 2 अल्फा, तो 2 अल्फा लगा दो। तो इसको आप लिख सकते हैं 1 प्लस sin 2 अल्फा sin अल्फा बाई cos 2 अल्फा cos अल्फा। इसके नीचे मान लगाएं, इनका एलसीएम ले लें, तो आपके पास cos 2 अल्फा cos अल्फा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, cos 2 अल्फा cos अल्फा प्लस sin 2 अल्फा sin अल्फा। तो हम लिख सकते हैं, देखिए आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था, कॉस अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा।
तो अल्फा की जगह क्या पड़ा है हमारे पास, टू अल्फा, बीटा की जगह क्या पड़ा है, बीटा। तो देखिए कॉस अल्फा कॉस बीटा, साइन अल्फा साइन बीटा, यहाँ प्लस आएगा यहाँ माइनस आएगा, यहाँ प्लस आ रहा है तो यानी क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, यानी कि ये बन जाता है कॉस टू अल्फा माइनस अल्फा ओवर। तो ये एज इट पड़ा रहेगा आपके पास, क्या पड़ा है जी, कॉस टू अल्फा कॉस अल्फा। तो देखिए यहां से टू अल्फा में से अल्फा निकाल दें तो आपके पास क्या बनता है, ओनली कॉस अल्फा कॉस टू अल्फा कॉस अल्फा, ये कॉस अल्फा से अल्फा कैंसल, तो रिमेनिंग में क्या बच रहा है आपके पास, वन बाई कॉस टू अल्फा। आपको पहले भी बता चुके हैं वन बाई कॉस, यानी कि कॉस वन बाई सीकेंट है, तो वन बाई कॉस क्या होगा, सीकेंट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम यहां पर लिख सकते हैं सीकेंट टू अल्फा, जो कि हमारे पास राइट हैंड साइड है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है, टू साइन थीटा साइन टू थीटा बाई कॉस थीटा कॉस क्यूब थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट टू थीटा टेंजेंट थीटा। हम इस क्वेश्चन के अंदर भी लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, जो कि हमारे पास टू साइन टू थीटा बाई कॉस क्यूब थीटा। तो देखिए हमने यहां पर रिप्लेसमेंट किसकी करनी है, कॉस क्यूब थीटा, तो वो होता है हमारे पास फोर कॉस थ्री थीटा माइनस थ्री कॉस थीटा। हम जस्ट इसकी जगह रिप्लेस कर देंगे क्यूबिक फार्मूला, तो हमारे पास क्या बनता है, टू साइन टू थीटा बाई कॉस थीटा, इसकी जगह हमारे पास आएगा फोर कॉस क्यूब थीटा माइनस थ्री कॉस थीटा, टू साइन टू थीटा बाई, यहां से देखें तो आपके पास फोर कॉस क्यूब थीटा माइनस टू कॉस थीटा, तो यहां से आपके पास टू साइन टू थीटा बाई, यहां से आप कॉमन ले सकते हैं टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन, तो यहां से आपके पास कैंसल हो जाएगा, ये टू से टू कैंसल हो जाएगा, तो रिमेनिंग देखें आपके पास क्या बनता है, साइन टू थीटा बाई कॉस थीटा कॉस टू थीटा। तो दोबारा देख लें, तो आपके पास जो कॉस टू थीटा होता है इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, तो ये फॉर्म कैसे बनती है, तो आप देखें कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा होता है वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसके अंदर मजीद रिप्लेसमेंट करेंगे कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन, इसका मतलब है इसकी जगह हम ये पुट कर सकते हैं, तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन की जगह हम पुट कर सकते हैं कॉस टू थीटा। तो इस तरह हम लिख सकते हैं कि साइन ओवर कॉस टेंजेंट साइन ओवर कॉस अगेन टेंजेंट टू थीटा, तो हमारे पास क्वेश्चन की स्टेटमेंट के मुताबिक टेंजेंट टू थीटा टेंजेंट थीटा, जो कि हमारी राइट हैंड साइड बन गई। इस तरह क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हुआ।